हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। दास का प्रणाम स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हे गुरुदेव, जग की इस मोह माया और इस नश्वर संसार के अंधकार से ज्योति स्वरूप सन्मार्ग की ओर पथ प्रदर्शित कीजिए। अब से तुम हमारे पास रहोगे, तुम्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो, तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, तथास्तु। हे पुत्र, तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के प्रताप से आज मुझे तुम्हें दर्शन देना ही पड़ा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैंने तुम्हारी नेत्र ज्योति पुनः लौटा दी है। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? आपकी अनुपम अलौकिक दिव्य छवि और अतिशय पावन रूप का दर्श पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मेरा यह जन्म सफल हुआ प्रभु, इसके सिवाय इस तन की कोई और चाह है ही नहीं। नहीं पुत्र, हम तुम्हारी भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, आपने मुझे नेत्र ज्योति दी, जिससे मुझे आपके दर्शन हुए। हे नाथ, मेरा जीवन धन्य हो गया। यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए प्रभु कि मेरी नेत्र ज्योति वापस ले लीजिए। आपके दर्शनों के उपरांत इस नश्वर संसार में मैं सिवाय आपके अब कुछ और देखना ही नहीं चाहता प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम मेरी भक्ति के लिए विश्व में सदैव याद किए जाओगे और संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त करोगे, तथास्तु। सुंदर पद रचना कर गा जो भी गाते सूर
वही सजीव दिखाए। सूरदास एक महाकवि है, कृपा प्रभु की लीन ही बाल माता यशोदा और कान्हा का। सुंदर कर व्याख्यान बताए श्री कृष्ण से कहे रुक्मणी, बोली सुंदर वचन उचार श्री कृष्ण से कहे रुक्मणी। हाँ। आपने अपने भक्त सूरदास की जान क्यों बचाई? मैं आपकी लीला समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु। हे देवी, जो जीव निश्चल भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव हर विपत्ति में उनका हाथ पकड़े रहता हूँ और सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरे प्रति भक्त की अनन्य भक्ति भावना और उसके समर्पण के कारण ही मैंने उसे जीवन दान दिया। सम्राट अकबर का सेनापति तानसेन आपको प्रणाम करता है। आपकी रचनाएं सारे जगत के जनमानस के मन को मोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं। मेरा निवेदन है कि आप हमारे सम्राट महाराजा अकबर की वीरता और यशगाथा का बखान करें। क्षमा करें महाराज, मैंने अपने जीवन में अपने प्रियतम बंसी वाले यशोदा नंदन के सिवा कभी कुछ नहीं चाहा। वे मेरे आराध्य हैं और मैं उनके चरणों का दास। आप ही कहें, मैं अपने आराध्य की महिमा और गुणगान के सिवा किसी और का गुणगान कैसे कर सकता हूँ? आपके बारे में जितना सुना था उससे अधिक देख रहा हूँ। ईश्वर के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी निष्ठा, मैं जान गया महाकवि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिंतन करे सदाई सुर का, जग से लेने देन कोई ना,
कविवर, यह आपके मिलने का ही अद्भुत प्रभाव है कि मैं स्वयं को प्रभु के समीप पा रहा हूँ। हे बाबा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल माध्यम हूँ, यह प्रभु की कृपा और आपका बड़प्पन है। आप सत्य कह रहे हैं कविवर, यह सब कुछ आपके और हमारे वश में कहाँ, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है और उन्हीं की इच्छा। हे महात्मा, सूर अपनी कुटिया में अचेत पड़े हैं। उसके मुख पर जल के छींटे मारो। उठिए महाकवि। हे गुरुदेव, दया के सागर, आपको सेवक प्रणाम करता है। खंजन नयन रूप रस माते।